प्रोजेक्ट संजय प्रोजेक्ट संजय क्या है द आर्मी अंडर प्रोजेक्ट संजय इज़ वर्किंग ऑन क्रिएटिंग बैटर फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम फॉर कॉम्पोजाइड ऑपरेशनल पिक्चर सीक्स टू क्रिएट मल्टीपल सर्वेलेंस सेंटर्स फॉर द फील्ड फॉर्मेशंस एंड इनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेंसर्स देखो संजय महाभारत से वर्ड है जहाँ पे जब युद्ध हो रहा था तो वहाँ पे क्या बोलते हैं ना ने बोला था संजय मुझे दिखाओ तो संजय दिव्य दृष्टि थी संजय के पास में तो वो पिक्चर मूवी हॉल जैसा थिएटर बना करके दिखता था और लाइव कमेंट्री करता था उस पर तो वही चीज़ है कि जब कभी भी कोई वॉर हो गया बैटल हो गया तो जो आर्मी है ना वो लाइव सर्वेलेंस करने के लिए सिस्टम है तो वही

मैक नंबर इक्वल टू वन होगा ग्रेटर देन मैक नंबर अगर ग्रेटर देन वन है तो सुपर सोनिक होगा और मैक नंबर अगर ग्रेटर देन फाइव है तो हाइपरसोनिक होगा ठीक है मैक नंबर अगर लेस देन वन है तो सब सोनिक है इक्वल टू वन है तो ट्रांसोनिक है ग्रेटर देन वन है तो सुपरसोनिक है और ग्रेटर देन फाइव तो है तो हाइपरसोनिक है फर्स्ट ह्यूमन सेल्स टू बी सक्सेसफुली क्लोन्ड कौन सा ह्यूमन सेल है जिसको सक्सेसफुली क्लोन किया गया हैला सेल्स एच ई एल ए हेला सेल्स फर्स्ट ह्यूमन सेल्स टू बी सक्सेसफुली क्लोन्ड कौन सा है हेला सेल्स हेला सेल्स नेवर रीच्ड द पॉइंट ऑफ सेनेसेंस सिंस ड्यू टू म्यूटेशंस इट हैज अचीव्ड द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग जो हेला सेल्स है ना सो हेला सेल्स नेवर रीच्ड द पॉइंट ऑफ सेनेसेंस सिंस ड्यू टू म्यूटेशंस इट कैन इट हैज अचीव्ड द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग जो हेला सेल्स है ना वो पॉइंट ऑफ सेनेसेंस को अचीव नहीं कर सके हैं नेवर रीच द पॉइंट ऑफ सेनेसेंस सिंस ड्यू टू म्यूटेशंस क्यों क्योंकि म्यूटेशंस क्यों, के कारण में उनके पास ये एबिलिटी uh, डेवलप हो गई है कि वो खुद को डिवाइड करते, करते रहते हैं डिवाइड करते रहता है डिवाइड करते रहता है सो हेला सेल्स नेवर रीच द पॉइंट ऑफ सेनेसेंस सिंस ड्यू टू इट हैज़ अचीव द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग ह्यूमन सेल्स कल्चर्स डाई विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर अ सेट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स क्या बात सही है हाँ जो ह्यूमन सेल्स हैं ना कल्चर्स जो उसको बाहर निकाल कर रखेगा सेल्स को तो वो डाई कर जाता है फ्यू डेज में आफ्टर ऑफ सेल्स आफ्टर अ सेट नंबर ऑफ सेल्स कुछ सेल नंबर ऑफ की बात वो डाई कर जाता है सिग्निफिकेंट ऑफ हैना सेल्स सिग्निफिकेंट ऑफ हैना सेल्स सिग्निफिकेंट ऑफ हैना सेल्स क्या है टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन सो so ये इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन को टेस्ट करता है कॉस्मेटिक है फिर जीन मैपिंग है स्टडिंग ह्यूमन डिजीजेज है इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है हेला सेल्स का हेला सेल्स का सिग्निफिकेंस है कि टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन कॉस्मेटिक जेनेटिक सॉरी जीन मैपिंग फिर स्टडिंग ह्यूमन डिजीजेस इन सेल कल्चर सेल्स आर ग्रोन इन सेल कल्चर सेल्स आर ग्रोन इन अ पेट्री डिश इन अ लैब इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन क्या बात सही है हाँ सेल कल्चर में सेल्स को कहाँ पे ग्रो करते हैं पेट्री डिश में ग्रो किया जाता है लैब में कंट्रोल्ड कंडीशंस में रिकैप करते हैं प्रोजेक्ट संजय द आर्मी अंडर प्रोजेक्ट संजय इज वर्किंग ऑन क्रिएटिंग बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम फॉर कॉम्पोजाइट ऑपरेशनल पिक्चर इट सी टू क्रिएट मल्टीपल सर्वेलेंस सेंटर्स फॉर द फील्ड फॉर्मेशन एंड द इनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेंसर्स मैक नंबर अगर लेस देन वन है तो इक्वल टू वन है तो ट्रांसोनिक ग्रेटर देन वन है तो सुपरसोनिक और ग्रेटर देन फाइव है तो हाइपरसोनिक फर्स्ट ह्यूमन सेल्स टू बी सक्सेसफुली सक्सेसफुल्ड इज हेला सेल्स हेला सेल्स नेवर रीच्ड द पॉइंट ऑफ सेनेसेंस से Mutations it has achieved the ability to keep on dividing. Human cells cultures die within a few days after a set number of cells. Significance of HELA cells tests the effects of radiation, cosmetic, gene mapping, studying human diseases. In cell culture, cells are grown in a petri dish in a lab in a controlled condition. See you in the next video. Till then, bye.